गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ईवीएस में चैप्टर 8 की रीडिंग की थी एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज कीपिंग हेल्दी। ठीक है, चैप्टर का नेम क्या था हमारा? कीपिंग हेल्दी, कि हम अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने कुछ हेल्दी हैबिट्स और कुछ गोल्डन रूल्स के बारे में पढ़ा था, तो आज हम इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, चैप्टर को तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि हमें कुछ गोल्डन रूल्स फॉलो करने चाहिए अपने आप को हेल्दी और फिट रखने के लिए, और उन गोल्डन रूल्स में हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें डेली बात करना चाहिए, दिन में 2 बार हमें ब्रश करना चाहिए, ओके, वी शुड ट्रिम आवर नेल्स रेगुलरली, वी शुड कॉम्ब आवर हेयर ट्वाइस अ डे, वी शुड गो टू बेड ऑन द टाइम एंड वी शुड गेट अप अर्ली ऑन द टाइम। तो ये सारे गोल्डन रूल्स थे। वी शुड टेक हेल्दी डाइट, वी शुड डू एक्सरसाइज डेली, सो दीज आर गोल्डन रूल्स, दोज वी हैव टू फॉलो टू मेंटेन आवर सेल्फ एंड यस वी शुड मेंटेन अ प्रॉपर पोस्चर, कि हमें उठने बैठने चलने का जो हमारा पोस्चर है, तरीका है, वो सही रखना चाहिए। तो ये सब बातें हमने इस चैप्टर में रीड की थी। टूडे वी विल डू बुक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, ओके, आई विल एक्सप्लेन दीज एक्सरसाइज एंड यू विल डू इन योर बुक। फर्स्ट है पुट अ टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ कुछ वर्ड्स कुछ लाइन्स दे रखी हैं और उनके नीचे 2 ऑप्शन दे रखे हैं, यू हैव टू पुट द राइट ऑप्शन। जैसे नंबर 1 है वी मस्ट वियर दीज टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, वी मस्ट वियर these types of clothes, कि हमें इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। किस तरह के? यहाँ 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो है डर्टी, यहाँ आपकी बुक में तो पिक्चर बना के दिखा रखा है, बट आई एम गोइंग टू राइट हियर वर्ड डर्टी क्लोथ्स, एंड सेकेंड है क्लीन क्लोथ्स। सो यू रीड द चैप्टर ना, आपने चैप्टर पढ़ा है तो हमें बताइए कैसे क्लोथ्स पहनने चाहिए, क्लीन, तो हम यहां पर टिक करेंगे। नंबर 2 है हमारा ईट दिस, यहां हेयर 2 टाइप्स ऑफ फूड इज गिवन। फर्स्ट है हेल्दी फूड, सेकेंड 1 है जंक फूड। सो टेल मी विच टाइप ऑफ फूड इज गुड फॉर आवर हेल्थ, हेल्दी फूड ना, सो वी विल टिक ऑन द हेल्दी फूड। ठीक है, तो हम यहां पर इस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वी यूज दिस टू क्लीन आवर ईयर्स, वी यूज दिस टू क्लीन आवर ईयर्स, हमें अपने ईयर्स को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए क्या यूज करना चाहिए। नंबर 1 ऑप्शन पर है पिन और नंबर 2 पर है ईयरबड्स। ईयरबड्स होता है वो ईयर को साफ करने की जो कॉटन लगा हुआ आता है उससे हमारे ईयर क्लीन करने चाहिए हमें, या पिन से? पिन इज हार्मफुल, पिन या फिंगर हमें या कोई भी स्टिक ईयर में नहीं डालनी चाहिए, जो ईयरबड्स आते हैं उससे हमें अपने ईयर्स को क्लीन करना चाहिए। ठीक है, ये तो थे टिक द राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारा आता है फिलिप्स। फिलिप्स में आपके यहाँ हेल्पिंग वर्ड्स भी दिए हुए हैं, हेल्पबॉक्स दिए हुए हैं, आपको इन हेल्पबॉक्स को देखकर इन सेंटेंसेस को कम्प्लीट करना है। नंबर 1 है वी शुड मेंटेन आर डैश पोस्चर, हमें कैसा पोस्चर मेंटेन करना चाहिए, मतलब हमारा पोस्चर जो है खड़े होने का चलने का वो कैसा होना चाहिए, करेक्ट। तो नंबर 1 पर मैं यहां सिर्फ आंसर लिख रही हूं, आप इन वर्ड्स को अपने फिलिप्स में कंप्लीट करोगे, करेक्ट पोस्चर। नंबर 2 है, तो हमने यहां से करेक्ट वर्ड को ढूंढा और यहां पे फिल कर दिया, इसको हम क्रॉस कर देंगे, क्रॉस करने से पता चल जाएगा कि हमारा ये वर्ड हो चुका है, वी नो नीड टू सी दिस वर्ड अगेन एंड अगेन, इसको बार बार देखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड है डैश शुड बी ट्रिम्ड रेगुलरली, रेगुलरली क्या ट्रिम्ड होने चाहिए, नेल्स 8 वाटर जंक, तो टाइम टू टाइम हमें क्या ट्रिम करते रहना चाहिए, हमारे नेल्स।
सो सेकेंड फिलप्स में हम लिखेंगे नेल्स. ओके, नंबर थर्ड है, देखो नेल्स हमने यहाँ लिख दिया तो यहाँ पे हम कट कर देंगे उसको. अभी हमारे टू वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हमें बार बार देखने की जरूरत नहीं है. वी हैव राइट दिस, इनको हम लिख चुके हैं. ठीक है, नाउ वी हैव ओनली थ्री वर्ड्स. अब हमारे पास सिर्फ थ्री वर्ड्स हैं, इनको फिल करना है. नंबर थ्री है हमारा फिलअप, वी शुड स्लीप 4-hours अ डे. हमें दिन में कितनी देर, कितने घंटे सोना चाहिए. तो चलिए ऑप्शंस में फाइंड आउट करते हैं. 8 वाटर जंक, घंटों के बारे में पूछा है तो नंबर नंबर आएगा ना, तो क्या आएगा यहाँ 8. नंबर थ्री पर हम लिखेंगे 8. हमारा थर्ड फिलअप कंप्लीट हो गया, तो यहाँ हम 8 के ऊपर भी एक क्रॉस बना देंगे. नाउ वी हैव ओनली टू वर्ड्स, टू वर्ड्स आर लेफ्ट नाउ, सिर्फ दो वर्ड बचे हैं, तो इन टू वर्ड्स को हमें इन फिलअप्स में फिल करना है. नंबर फोर है अवॉइड ईटिंग डैश फूड, वाटर और जंक, कौन से फूड को अवॉइड करना चाहिए, जंक फूड को. सो वी विल राइट हेयर जंक. एंड लास्ट वन, जंक पर भी हमने यहाँ क्रॉस कर दिया, सो ओनली वन वर्ड इज लेफ्ट हेयर, वो इस फिलअप में आ जाएगा. तो इसका सेंटेंस क्या है, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वॉटर, बहुत सारा क्या पीना चाहिए, पानी. ठीक है, तो ये हमारी बुक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है. आपको ये फिलअप्स और टिक द करेक्ट ऑप्शन आपकी बुक में कंप्लीट करना है. उसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसी में बुक में है, कुछ थिंग्स दी हुई है. राइट द नेम ऑफ द ब्रांड्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स दैट यू यूज. यहाँ कुछ थिंग्स दी हुई हैं जो हम अपने आप को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं, सोप, ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट. तो यहाँ आप खुद लिखोगे, आपको उस ब्रांड का नाम लिखना है, मीन्स आप कौन सा सोप यूज करते हो. जैसे सोप, बहुत सारी तरह के सोप आते हैं ना, लक्स, सिंथोल, लाइफ बॉय. सो विच सोप यू यूज, यू विल राइट हेयर दैट सोप नेम, उस सोप का ब्रांड लिखोगे, आपकी कौन से ब्रांड का सोप यूज करते हो. ऑयल, आप कौन सा ऑयल यूज करते हो अपने हेयर के लिए, वो जैसे कोकोनट, जैस्मिन, आमंड हेयर, हेयर एंड केयर, बहुत सारे ब्रांड होते हैं ना ऑयल्स के भी. तो यहाँ आपको जो आप यूज करते हो वो ब्रांड लिखना है. ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ शैम्पू. शैम्पू भी मार्केट में बहुत सारे हैं, लेकिन हम कोई एक पर्टिकुलर शैम्पू यूज करते हैं, जैसे क्लिनिक प्लस और बहुत सारे नाम होते हैं. तो आप कौन सा शैम्पू यूज करते हो वो लिखना है, हेयर एंड केयर और पेंटीन, डव. ठीक है, तो जो भी शैम्पू आप यूज करते हो वो आपको यहाँ लिखना है. नेक्स्ट है टूथपेस्ट, अपने टीथ को क्लीन करने के लिए, ब्रश करने के लिए आप कौन सा पेस्ट यूज करते हो उस पेस्ट का नाम लिखना है, कोलगेट, क्लोजअप, पतंजलि, जो भी, एमवे का, ग्लिस्टर, जो भी आप यूज करते हो वो आपको यहाँ लिखना है. ठीक है, तो ये हो गई हमारी बुक एक्सरसाइज, और ये आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन करनी है, बुक में लिखकर आपको सेंड करना है. एंड यस, यहाँ कुछ गोल्डन रूल्स दिए हुए हैं, ये मैंने आपको राइटिंग पेज के लिए भी दिए थे, बट यू हैव टू लर्न दीज. इफ आई विल आस्क, टेल मी टू गोल्डन रूल्स टू कीप योर सेल्फ हेल्दी, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए मुझे कोई भी टू गोल्डन रूल्स बताइए, तो आप क्या बताओगे, दैट वी शुड कीप आवर सेल्फ क्लीन, वी शुड टेक बाथ, वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वॉटर, हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए, अपने आप डेली बाथिंग करनी चाहिए. तो ये जो रूल्स मैं आपने राइटिंग पेज में लिखे थे ये आपको लर्न भी करने हैं. लेट्स रिवाइज वंस अगेन, इनको एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं. वी शुड कीप अवर बॉडी क्लीन, हमें हमारी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए. वी मस्ट हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, और हमें हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए. हेल्दी लाइफस्टाइल में सारे गोल्डन रूल्स आ जाते हैं कि हमें अपनी क्लीनलीनेस कैसे करनी चाहिए, अपना अपने आप को कैसे मेंटेन रखना चाहिए. नंबर थ्री है वी शुड टेक प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, हमें प्रॉपर रेस्ट और प्रॉपर स्लीप करना चाहिए, टाइम पे रेस्ट और सोना चाहिए. नेक्स्ट है वी मस्ट मेंटेन अ करेक्ट पोस्चर. पोस्चर मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ, हमारा उठने, बैठने, सोने, चलने का जो तरीका होता है वो प्रॉपर, करेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए. ठीक है,
नेक्स्ट है वी मस्ट वेयर क्लीन क्लोथ्स एंड वी शुड ऑलवेज क्लीन क्लोथ्स टू कीप अवर सेल्फ हेल्दी एंड क्लीन। अपने आप को हेल्दी और क्लीन रखने के लिए हमें हमेशा क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए। वी शुड ब्रश अवर टीथ ट्वाइस अ डे। हमें डेली दिन में 2 times ब्रश करना चाहिए, मॉर्निंग टाइम में और नाइट टाइम में, ठीक है। सो दीज हेल्दी हैबिट्स, गुड हैबिट्स यू हैव टू लर्न। हम जो क्वेश्चन आंसर्स पुट अप करेंगे वो इन्हीं में से करेंगे, तो आपको ये रीडिंग करना आना चाहिए। वंस यू विल रीड दीज लाइन्स अगेन, ओके, एक बार दोबारा, अगर आप चैप्टर रीड कर भी चुके हो तो भी आपको ये दोबारा रीड करना है। इन लाइन्स में पूरे चैप्टर की समरी दी हुई है, जब आप इन लाइन्स को पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि पूरे चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। सो लेट्स रीड दीज एंड कम्प्लीट द बुक एक्सरसाइज। थैंक यू।